तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था कि डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन टाइप्स। तो जिसमें हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स मींस के all the instructions available within a CPU are actually categorized into three main heads. First one is the data manipulation, sorry, data transfer instructions. Second, data manipulation instruction, जो कि हमें discuss करने हैं। Data transfer instructions हम previous lecture में discuss कर चुके हैं। तो और तीसरा है हमारा program control statements। तो अगर ये टाइम सफिशिएंट रहेगा तो जो दो टाइप के बचे हुए हैं, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज नहीं टाइम होगा तो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आर द कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन, जहां पे कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होता है, यानी मेनली डिजाइन फॉर द एलयू ऑपरेशंस। सो एलयू ऑपरेशंस के लिए हैं अगर, तो ऑब्वियसली कि जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है हमारी सेकंड कैटेगरी, उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड वन इज द शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो इनको समझना आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं हम। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एज वी नो दे आर ऑपरेटेड ऑन न्यूमेरिकल डेटा। तो जो सिंपल मशीन्स हैं उसमें हमारे फोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाईकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और जो अब इसमें क्या है कि एलयू जो होता है हमारा मॉडर्न प्रोसेसर्स में, एलयू के अलावा एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है एफपीयू। तो एलयू के लिए अलग अलग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस डिजाइन होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एफपीयू के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यूज के लिए जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आर ट्रीटेड बाय द एलयू एंड एफपीयू फंक्शनल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, या कहीं कहीं हम फंक्शनल पॉइंट यूनिट भी बोल सकते हैं, उस वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को ट्रीट करता है। अदरवाइज कहीं कभी कभी कॉमन लैंग्वेज में हम दोनों को ही ALU बोल देते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इन सिंपल टर्म्स जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो ये हैं सारे। तो एड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मल फॉर मल्टीप्लाईकेशन, डिव डिवीजन, INC फॉर इंक्रीमेंट बाय वन, एंड DEC डिक्रीमेंट बाई वन, ADC मीन्स के एडिंग टू वैल्यूज विद कैरी, सब बी मीन्स सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज विद बोरो। एडिशन होता है तो उसमें कैरी जनरेट होती है, और सब्ट्रैक्शन होता है तो बोरो वी नीड टू फॉलो। NEG फॉर निगेट, निगेट मीन्स परफॉर्मिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट किसी वैल्यू का कैसे निकलता है, converting that value into the binary and taking one's complement and adding the bit 1 to at the last। जब bit 1 की add करने की बात करते हैं तो last में ही add होता है, जैसे addition होता है, ठीक है। और ADDI add with integers, और ADDF add with float। तो
और एक और होता है एड टी, एड टू डेसिमल नंबर्स इन बीसीडी। तो ये जो है 12 नंबर का ही थोड़ा एडवांस प्रोसेसर्स के लिए होता है। अब अगर हम 8085 8086 प्रोसेसर की बात करें तो मेनली दीज फर्स्ट फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर डिजाइन और इंट्रोड्यूस्ड विद देम एट फर्स्ट। तो अगर हम इन जो प्रोसेसर है हमारा 8085 86 86, तो उसमें क्या है कि जो हमारा जैसे ये पैटर्न है तो एड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम वन ऑफ द जनरल पर्पज रजिस्टर एंड अनदर वैल्यू फ्रॉम एक्यूमुलेटर। तो उसमें इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है एड रजिस्टर नेम। तो एड रजिस्टर नेम से मतलब है कि एक वैल्यू तो एक्यूमुलेटर में है ही बाय डिफॉल्ट, है कैसे वो मेमोरी से MBR के थ्रू और फिर वो उसमें आई है एक्यूमुलेटर में, और दूसरी वैल्यू एक MBR से सीधे GPR में आई है। तो एड सम रजिस्टर नेम, जैसे 8085 में रजिस्टर नेम होते हैं A फॉर एक्यूमुलेटर एंड अदर रजिस्टर्स आर BCDE और HL रजिस्टर। तो ये रजिस्टर्स होते हैं नाम इनके 8085 में। लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो एड R1, R2, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एड R1, R2 या एड R1, R2, R3 डिपेंडिंग ऑन CPU ऑर्गेनाइजेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि CPU ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो उसी तरह सब है, अदर ऑपरेशन है। INC अगर इंस्ट्रक्शन है तो उसमें कोई ऑपरेंड रिक्वायर्ड नहीं होता 8085 में 6 में, क्योंकि INC DEC वन ऑफ द ऑपरेंड इज ऑलवेज इनसाइड द AC रजिस्टर एक्यूमुलेटर। तो अगर केवल एक ही ऑपरेंड है तो वो AC रजिस्टर में परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन। अब चलते हैं लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो इनका जो पर्पज होता है, ये बुलियन यानी बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बिट स्ट्रिंग्स पर, और इन ऑपरेशंस को डायरेक्टली हम सी लैंग्वेज में भी लिखते हैं। जैसे दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच अगर हमें लॉजिकल एंड करना है तो लॉजिकल एंड का सिंबल होता है MM%। सी लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें तो AND होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में MM%B मीन्स लॉजिकल एंड, ए डबल वर्टिकल बार बी लॉजिकल, और इसी तरह वंस कॉम्प्लीमेंट टिल्डे सिंबल के साथ यूज होता है सी लैंग्वेज में। तो अब ये जो ऑपरेशंस हैं लॉजिकल और बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, ये हमारे बिट बाय बिट यूज होते हैं, यानी दो बिट स्ट्रिंग हैं और करेस्पोंडिंग बिट्स पर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी एप्लीकेशन है वो वास्ट होता है। जैसे हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेशंस है, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, एक्सक्लूसिव और है, बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इनका जो मेन यूज है वो मैनिपुलेटिंग द इंडिविजुअल बिट्स है। कि कभी कभी हमें क्या होता है कि जो कैरी है, पहले कुछ कैरी है किसी रजिस्टर में आएगा कैरी, और उसको क्लियर करना है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, तो क्लियर करने के लिए कैरी या कैरी को सेट करना है। तो इस तरह जो इंडिविजुअल बिट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है किसी ऑपरेशन के लिए, तो उसमें इसका यूज होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन जो मैंने बताया कि चेंजिंग द बिट वैल्यूज या फिर क्लियरिंग द ग्रुप ऑफ बिट्स या सेटिंग द सम न्यू बिट्स, इंसर्टिंग न्यू बिट्स इनटू ऑपरेंड्स। तो ये देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन। तो मेन जो लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस हैं वो ये हैं हमारे। CLR फॉर क्लियर।
तो कोई रजिस्टर है उसमें पहले से कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे रजिस्टर किसी प्रोग्राम के लिए वर्क में आ रहे हैं तो एक रजिस्टर में कोई वैल्यू आ गई, तो अब वो जब कॉपी होगी दूसरे रजिस्टर में तो दूसरे रजिस्टर में कॉपी तो हो जाएगी लेकिन पहले रजिस्टर में फिर भी पड़ी रहेगी। तो कभी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि किसी रजिस्टर को बिल्कुल क्लियर करना है, क्लियर मतलब कि सेटिंग ऑल बिट्स टू जीरो, क्लियर का मतलब ये, क्योंकि ऑल जीरो होंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, लेकिन ऑल बिट्स अगर जीरो नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें बनी रहेगी। तो CLR फॉर क्लियर, COM फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हियर इट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स रिवर्सिंग द वैल्यू। अब ये लाइन ज्यादा हो रही है तो इसको हटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। लॉजिकल एंड सभी लोग जानते हैं, लॉजिकल और भी जानते हो, एक्सक्लूसिव और, हम इस पे आ रहे हैं अभी इंडिविजुअल ऑपरेशंस पर, लॉजिकल एंड और एक्सक्लूसिव और, CLRC क्लियर कैरी। तो क्लियर कैरी मींस, और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन, दोनों में डिफरेंस ये, क्लियर इज यूज फॉर रजिस्टर, किसी रजिस्टर में सारी बिट्स को क्लियर करना है, जीरो करना है। क्लियर कैरी केवल कैरी बिट को, कैरी तो या तो वन ही होगा, अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो भी कैरी है उसको क्लियर करना। सेट कैरी ये सेटिंग द कैरी बिट, कॉम सी कॉम्प्लीमेंट कैरी, कैरी अगर वन है तो जीरो करना है, जीरो है तो वन करना। EI और DI फॉर इनेबल एंड डिसेबल द इंटरप्ट, इंटरप्ट का एक सिग्नल होता है CPU के पास और कोई भी डिवाइस CPU को इंटरप्ट भेज सकता है किसी भी मोमेंट पर, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट कि CPU उसको हैंडल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरप्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि लास्ट में करीब करीब लास्ट में वी आर हैविंग अ चैप्टर ऑन दिस प्रोग्राम्ड IO, इंटरप्ट इनिशिएटेड IO, ओके, एंड डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर DMA। तो एक इंटरप्ट वाला सिग्नल होता है, तो उसको इंटरप्ट को इनेबल करना डिसेबल करना, उसके लिए एक पिन होती है CPU में और वो हमारा उसके लिए इंस्ट्रक्शन है EI और DI। जनरली क्या है, फ्लिप फ्लॉप यूज होता है इसको करने के लिए। अब एंड ऑपरेशन की बात करते हैं, तो सपोज करो कोई वेरिएबल है V, बुलियन वेरिएबल, बुलियन मींस कि बाइनरी वेरिएबल, ओके, तो बुलियन हटा के वेरिएबल बी, तो बी से मतलब है कि जब हम इस पे अब ऑपरेशन जो हो रहा है वो लो लेवल हो रहा है मशीन लेवल पर, तो बी एंड जीरो, एंड का मतलब क्या है कि अगर दोनों बिट हमारी वन है तब तो ओवरऑल बिट रिजल्टेंट बिट वन आएगी, अदरवाइज जीरो आएगी। तो ये जनरलाइज वे में मैंने लिखा हुआ है ये दोनों ऑपरेशन, बी एंड जीरो इक्वल्स टू जीरो। देखो बी एंड जीरो, अगर इसमें एंड ऑपरेशन में जीरो है तो बी की वैल्यू चाहे वन हो या जीरो हो, बी कोई वेरिएबल है उसकी करेस्पॉन्डिंग बिट के साथ हमारा ऑपरेशन हो रहा है ना एंड, तो बिट बी चाहे वन हो या जीरो हो, अगर जीरो के साथ एंड करोगे तो जीरो ही आएगा, बी एंड वन, ये बी आएगा क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे वन है बी तो वन एंड वन बी आएगा, जीरो है तो जीरो आएगा, तो ये जो बिट है ये बी पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर वेरिएबल है यानी कोई वैल्यू अगर किसी रजिस्टर में है और उस रजिस्टर को क्लियर करना है, अभी जैसे जो मैंने ये ऑपरेशन CLR ऑपरेशन था, तो क्लियर करना है तो उसके लिए ऑपरेशन क्या होगा कि उस रजिस्टर को बी के साथ जीरो के साथ
एंड ऑपरेशन करा दो, वैल्यू जीरो के साथ एंड ऑपरेशन करा दिया जाएगा किसी वेरिएबल का या रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर है, तो वो क्लियर हो जाएगा। और वन के साथ एंड कराओगे तो नो चेंज आएगा। मास्क ऑपरेशन मतलब जो बिट है रजिस्टर में करिस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल बी वो एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? सो आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर टू यू। किसी वेरिएबल को जीरो और वन के साथ मतलब एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, तो एंड ऑपरेशन में यही है कि वेरिएबल या तो जीरो के साथ इंटरेक्ट करेगा या वन के साथ, अलग अलग बिट्स अलग अलग जीरो वन के साथ। इसी तरह और ऑपरेशन है तो बी को अगर जीरो के साथ और कराओगे तो बी आएगा, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा। और बी को अगर वन के साथ और कराओगे तो वन आएगा। बी कुछ भी हो, अगर एक वन है तो और ऑपरेशन से हमारा वन आएगा रिजल्ट एंड। तो इसका मतलब ये है कि मास्क ऑपरेशन करना है, मास्क, तो वेरिएबल को या रजिस्टर को हम जीरो के साथ अगर और ऑपरेशन कराएं तो कोई चेंज नहीं होगा उसके कंटेंट्स में, बिट पैटर्न में। ये मास्क ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वन के साथ और कराओगे तो सेट ऑपरेशन हो जाएगा, सारी बिट वन हो जाएगी। जो रजिस्टर में कंटेंट्स हैं उसको अगर और ऑपरेशन कराया वैल्यू वन के साथ, तो वो रजिस्टर की सारी वैल्यू वन हो जाएंगी, क्योंकि वन के साथ और कराओगे तो रजिस्टर में कुछ भी हो, जीरो हो या वन हो, वो सब कुछ वन हो जाएगा। तो ये सेट ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, यानी किसी रजिस्टर को सेट करना। सेट का मतलब कि सेटिंग ऑल बिट्स वन, क्लियर मीन्स सेटिंग ऑल बिट्स जीरो, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, सेटिंग ऑल बिट्स टू वन, पुटिंग ऑल बिट्स टू वन एज द सेट ऑपरेशन, और क्लियर मीन्स कि पुटिंग मेकिंग ऑल बिट्स टू जीरो। तो और ऑपरेशन हमारा यूज होता है बिट को सेट करने के लिए। अब आगे चलते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। बुलियन यहां से हटा देते हैं, बुलियन तो ठीक है। XOR, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो XOR ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर करेस्पॉन्डिंग बिट्स सेम है तो हमारा जीरो आएगा रिजल्ट। करेस्पॉन्डिंग बिट्स यानी दोनों बिट अगर जीरो हैं या दोनों वन हैं तो रिजल्ट जीरो आएगा, लेकिन दोनों बिट्स अगर डिफरेंट हैं तो रिजल्ट वन आएगा। जैसे एंड में है अगर दोनों बिट वन है तभी वन आएगा, और में है अगर दोनों बिट जीरो है तभी जीरो आएगा। XOR में दोनों बिट अगर सेम है तो जीरो। तो इसको देखो कि बी को XOR किया जीरो के साथ, तो बी अगर जीरो है तो जीरो XOR जीरो हमें क्या मिलेगा, वन, सॉरी जीरो, सेम है तो जीरो ना, तो जीरो XOR जीरो जीरो मिलेगा। इसका मतलब बी ही आएगा, क्योंकि बी को हम अगर जीरो ले रहे हैं तो यहाँ फिर बी ही आ जाएगा। बी अगर वन है तो वन XOR जीरो वन आ जाएगा, क्योंकि बिट डिफरेंट है। तो बी जीरो होगा या वन होगा उसके, उसको अगर जीरो के साथ XOR कराओगे तो हमें बी मिलेगा। इसी तरह बी वन के साथ XOR कराओगे तो बी डैश मिलेगा। बी डैश बी बार मीन्स, बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट। देखो अगर बी जीरो है तो उसको वन के साथ XOR कराया तो वन मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। बी अगर वन है तो वन के साथ अगर ये होगा तो जीरो मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो किसी रजिस्टर को अगर तुम बी के साथ, सॉरी जीरो मतलब जीरो के साथ अगर XOR ऑपरेशन कराओगे तो मास्क ऑपरेशन परफॉर्म हो, कोई चेंज नहीं हो, और वन के साथ अगर कराओगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो हमें जिन बिट्स को सिलेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट करना है, अगर कुछ बिट हैं
जो वन है उनको जीरो करना है, जीरो को वन करना है, तो उन बिट्स को वन के साथ XOR करा दोगे तो वो बिट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इनका ये एप्लीकेशन है जो हमने देखा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और XOR, वंस कॉम्प्लीमेंट, इनका एप्लीकेशन क्या है। इंडिविजुअल बिट जैसे कैरी को हमें क्लियर करना है, सेट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। दूसरा एग्जांपल है इंटरप्ट फैसिलिटी वाला, जो फ्लिप फ्लॉप हमारा होल्ड करता है, फ्लिप फ्लॉप कंट्रोल्स द इंटरप्ट फैसिलिटी। तो ये इंटरप्ट इनेबल या डिसेबल हो सकती है बाय मींस ऑफ बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, अब आते हैं शिफ्ट ऑपरेशंस पर। तो जब शिफ्ट ऑपरेशन की बात करते हैं तो शिफ्ट ऑपरेशन हमारे तीन तरह से हो सकते हैं। शिफ्टिंग मीन्स के इंडिविजुअल बिट्स को हम लेफ्ट में या राइट में या कोई और टेक्निक फॉलो करके उनको शिफ्ट कर रहे हैं, बिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट और सर्कुलर शिफ्ट, एरिथमेटिक शिफ्ट। ओके, तो जो शिफ्टिंग ऑपरेशन है वो तीन तरह से हो सकते हैं, लॉजिकल शिफ्ट है, सर्कुलर शिफ्ट है और एरिथमेटिक शिफ्ट है। तो एरिथमेटिक शिफ्ट जो है एक्चुअली वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है, जिसकी एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे बाद में टाइम होगा, बट यहाँ एक एक इंस्ट्रक्शंस को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दिस योर सेल्फ। कोई वैल्यूज लोगे और उसको शिफ्ट करके देखोगे, जैसे सी लैंग्वेज में होता है, तो किसी वेरिएबल को अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो डबल लेफ्ट एरो, डबल लेफ्ट एरो से होता है। जैसे अगर हमें एक्स को लेफ्ट शिफ्ट बाई टू करना है तो एक्स डबल एरो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट टू, जैसे यहां मैं लिख देता हूँ। सी लैंग्वेज में एक ऑपरेशन होता है दिस थ्री, इस ऑपरेशन का मतलब यह है कि एक्स की जो बिट पैटर्न है वो लेफ्ट शिफ्ट बाई थ्री करना है। इसी तरह अगर राइट शिफ्ट करना है जैसे वाई की कोई वन, तो इसमें यह है कि वेरिएबल वाई की वैल्यूज को राइट शिफ्ट वाई वन करना है। तो तीन तरह के शिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल, सर्कुलर एंड एरिथमेटिक। तो तीनों को यहाँ बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, तो पहले इनको समझ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये है हमारे SHR, ये तो नेमोनिक है, सिंबल है, ठीक है। SHR फॉर लॉजिकल शिफ्ट राइट, शिफ्ट SH फॉर शिफ्ट, R फॉर राइट, लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो लॉजिकल शिफ्ट जो होता है वो सी लैंग्वेज में ही हम परफॉर्म करते हैं। तो लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है कि अगर एक बिट से हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट राइट मोस्ट बिट को रिमूव कर दोगे और लेफ्ट में जीरो इंसर्ट कर दोगे। जैसे लॉजिकल शिफ्ट राइट, इसका मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। राइट या लेफ्ट, ठीक है। तो कोई हमने सपोज इंटीजर वैल्यू ली, अब इंटीजर वैल्यू वैसे तो किसी लैंग्वेज में सी में दो बाइट होती है, लेकिन हम सपोज करो कि इस तरह ले रहे हैं वैल्यू 448, ये कोई हमारा, ठीक है, वैसे तो 16 बिट होती है लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हमने 8 बिट की वैल्यू ली। तो इसको अगर तुम लेट सम वेरिएबल बी, कुछ बी की बाइनरी पैटर्न ये, तो जब हम इसको लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, शिफ्टिंग लेफ्ट, ये यहां से कॉपी कर लेते हैं।
logical shift right by 2. लॉजिकल शिफ्ट राइट बाई 2 कैसे होगा? इसको हमने इसको उठाया. अब इसमें करना क्या है कि जब शिफ्ट राइट बाई 2 करेंगे तो राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो राइट मोस्ट 2 बिट हटा देंगे हम. ये जो है ये रिमूव कर देंगे, ठीक है, और लेफ्ट में 2 जीरो को ऐड कर देंगे. तो ये हमारा बनेगा 2 शिफ्ट राइट बाई 2. तो ये जो बिट हैं 2 बिट राइट वाली, इनको हटा के और लेफ्ट में 0 ऐड करना है. तो ये तो ज्यों की त्यों आ जाएगी हमारी कॉपी, और लेफ्ट में 2 जीरो आ जाएंगे. सो इट विल बी द लॉजिकल राइट शिफ्ट, लॉजिकल राइट शिफ्ट बाय 2. अगर बाई 1 होता तो हम केवल राइट से एक बिट हटाते और लेफ्ट में 1 जीरो ऐड कर देते, ठीक है. तो लेकिन इसमें क्या है, हमने साइंड अनसाइंड वगैरह का कुछ रूल नहीं देखा है, ये केवल लॉजिकली शिफ्ट कर रहे हैं. इसी तरह लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, अगर हमें इसको लेफ्ट शिफ्ट करना होता इस वैल्यू को, तो लेफ्ट, अगर लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 करना होता तो लेफ्ट मोड से एक बिट हटा देते और राइट में यहाँ 0 ऐड कर देते, ठीक है. सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑपरेशन. तो ये लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट हो गया हमारा. यहाँ पे आते हैं, ठीक है. तो लॉजिकल शिफ्ट राइट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ये मैंने बता दिया. अगर शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो रिमूव लेफ्ट मोस्ट बिट एंड इंसर्ट 0 ऑन राइट. फिर है SHLA, एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट. तो एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट या राइट करते हैं तो जो हम ये लेफ्ट करते हैं तो ये तो बिल्कुल सेम है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट की तरह होता है. लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरह ही एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट जब शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट की बिट हटा के राइट में 0 ऐड करते हैं. तो उसमें क्या होता है हमारा कि उसमें कोई चेंज नहीं होता. लेकिन जब एरिथमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं, मतलब राइट में से बिट हटा के और लेफ्ट में 0 करते हैं, तो वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है. तो उसमें चेंज तो दोनों में होती है, लेकिन एक में इंक्रीज होती है और एक में डिक्रीज होती है. अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाई 1 तो वैल्यू डबल हो जाती है, और लेफ्ट शिफ्ट बाई राइट करते हैं तो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है हाफ. लेकिन अगर ऑड, हाफ का मतलब 0.5 में नहीं आएगी, अगर वैल्यू ऑड है तो मॉडुलस डिवीजन 2 होता है. इसमें डबल होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाफ होने में हमारी मॉडुलस, वो मॉडुलो डिवीजन 2 होता है. तो यहाँ पे हमें साइन 2's कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़ता है शिफ्ट राइट, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट में. अब जो ये वाले हैं ROL और ROR, तो ये रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट, ये सिंपल रोटेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है. अगर रोटेट लेफ्ट करना है तो लेफ्ट की एक बिट हटा के उसको राइट में ले आए, सर्कुलर मान के चलो उसको, ठीक है. सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट तो सर्कुलर राइट शिफ्ट की तरह है कि लेफ्ट से एक बिट हटाई, अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट से एक बिट हटाई राइट में ऐड कर दी, राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट से एक बिट हटाई और लेफ्ट में ऐड कर दी, सेम बिट ऐड करेंगे. लेकिन जो पहले वाला था लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और ये लॉजिकल शिफ्ट राइट, इसमें क्या है कि लेफ्ट से या राइट से बिट हटाएंगे जो भी हैं, लेकिन लेफ्ट राइट या लेफ्ट में 0 ही ऐड करेंगे. लेकिन इसमें ROL और ROR में कि बिट तो हम जो हटाएंगे राइट से वही लेफ्ट में ऐड कर देंगे, मतलब सिंपल सर्कुलर शिफ्ट, और सर्कुलर शिफ्ट है.
इसके बाद है रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी और रोटेट राइट थ्रू कैरी, तो रोटेटिंग बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कैरी। ओके, तो ठीक है, ये जो डिस्कशन है हमारा डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का, ये पूरा हो गया। तो अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो थे स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ था सपोज ऐड इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या है, मैं न्यू स्लाइड्स प्रीवियस उसमें भी बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि अगर कोई स्टेटमेंट है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसके लिए अगर हम ऐड इंस्ट्रक्शंस जब जनरेट होते हैं, तो मैंने तो पूरी हायरार्की बताई थी कि एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के लिए क्या होगा और जनरल उसके लिए क्या होगा। जिन लोगों ने वो अटेंड नहीं किया लेक्चर, तो वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 स्टडी कर लेंगे, तो उससे ये डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है प्रॉपर। तो अगर सिंपल हम ऐड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है, ऐड, तो ऐड R1 है अगर, तो दिस इज इन एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, मतलब कि एक वैल्यू तो एक्यूमुलेटर में रहेगी और दूसरी वैल्यू R1 रजिस्टर से आएगी, और जो रिजल्ट होगा इसका जो मीनिंग होगा वो ये होगा एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में कि एसी रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू ऐड होगी विद द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर वन, एसी प्लस आर वन दोनों रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड होके और फाइनली रिजल्ट एसी में ही स्टोर रहेगा, ठीक है। दूसरा और किसी प्रोसेसर में ऐड का कंसेप्ट ये हो सकता है जिसमें एक्यूमुलेटर ना हो, इसका मीनिंग ये होगा कि R1 और R2 रजिस्टर की वैल्यू ऐड होगी और इन्हीं दोनों में से किसी एक रजिस्टर में ये वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। ये ऐसे मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अब ये अज्यूम करते हैं कि उस रजिस्टर उस सीपीयू में इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो फाइनल वैल्यू यूज हो रही है वो R2 में स्टोर हो रही है, R2 प्लस R1 दो रजिस्टर की कंटेंट्स ऐड होके और R2 में फाइनल स्टोर हो रहा है। किसी और रजिस्टर में ये आर्किटेक्चर इस तरह भी हो सकती है, एडिशन स्टेटमेंट का मतलब समेशन का, एड आर वन कोमा आर टू कोमा आर थ्री, उसका मीनिंग ये है कि आर थ्री रजिस्टर में आर वन प्लस आर टू एड होके आर थ्री में स्टोर हो जाएगा। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन और होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है दो वैल्यू स्टैक टॉप से पॉप होके एड हो जाती हैं, और इसको मैं बता रहा हूं जैसे ऐड, तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें सिंपल ऑपकोड यूज होता है और दो वैल्यू स्टैक टॉप से पॉप होके ऑपरेशन परफॉर्म होता है ऐड, और फिर वो रिजल्टेंट फिर स्टैक टॉप पर पहुंच जाता है। So by this we have completed today's discussion for data manipulation instructions. So next lecture हमारा होगा, मैं time declare कर दूंगा, so that will be on program control statements.
अगर किसी की कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।